अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको जो है ना घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में करना सिखाने वाली हूँ। ये एक्सेल के ऊपर भी होगा, वर्ड के ऊपर भी होगा और पावर पॉइंट के ऊपर भी। जैसे कि आपको जो है ना, आप ऑफिस किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप जो है ना एक तकरीबन 30 सेकंड के अंदर जो है ना वो हमें एक प्रेजेंटेशन तैयार करके दें। तो आपने क्या करना है, पहले पिक वगैरह लगानी होती है, फिर वहां पे जो है ना अपने कंटेंट जो है ना लिखना होता है, फिर जाके कहीं प्रेजेंटेशन जो है ना वो रेडी होती है। बहरहाल आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको 30 सेकंड के अंदर जो है ना वो एक प्रेजेंटेशन 30 सेकंड से भी कम वक्त में हम प्रेजेंटेशन जो है ना वो तैयार करने वाले हैं। तो चलें जी, बगैर टाइम जाया कि आज की वीडियो जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके वीडियो देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम को पायलट के अंदर भी जो है ना को पायलट की एप्लीकेशन के बारे में आज जानने वाले हैं कि को पायलट की एप्लीकेशन के अंदर जो है ना क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप फोकस करेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ऊपर कॉर्नर के ऊपर, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया को पायलट, ठीक है। अब नीचे जो है ना ये आपको छोटा सा आईकॉन्स भी नजर आ रहा है को पायलट का। अगर आपके एक्सेल के अंदर इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे ये जो है ना एक छोटा सा यहाँ पे लोगो नजर आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो है ना वो बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। डिफॉल्ट विद को पायलट ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको स्टूडेंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिये, इसके अंदर आप कमांड सेट करेंगे। कमांड ये देखिये कौन सी हमने सेट की है, आई एम स्टार्टिंग अ कम्प्यूटर रिपेयर सर्विस बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। प्लीज प्रोवाइड विद, ये तकरीबन हमने जो हमें इसके अंदर चीजें ऐड करनी है ना, जो हम इसे लिखवाना चाहते हैं वो मैंने यहाँ पे फॉर्म ऐड कर दी है। वो फॉर्म ऐड करने के बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है कि आपने सिंपल सा यहाँ पे जो है ना नीचे जनरेट के ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ना सारे तकरीबन जितना भी डाटा है इसका जो हमने इसके अंदर कमांड सेट किया वो सारे का सारा आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। और वो डाटा जो है ना मुकम्मल तरतीब के अंदर जो है ना ये आपको निकाल के देगा, जैसे कि टेबल वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। ये आपको जो जो आप इसके अंदर कमांड सेट करेंगे ये मुकम्मल आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ पे ये जो है ना तकरीबन कुछ जनरेट करने में कुछ टाइम लगेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसने कितना प्रॉपर तरीके से हमें जो है ना वो सारा डाटा यहाँ पे ऐड करके दे दिया। अगर हम इसको लिखने बैठते तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगना था। तो इसने ये देखें यहाँ पे जो है ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये मुकम्मल सारी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे देता है। आप देख लीजिए, पहले उसने इंट्रोडक्शन दिया, यहाँ पे लिखा हुआ टू स्टार्ट अ कम्प्यूटर रिपेयर, ऊपर इंट्रोडक्शन है और यहाँ पे नीचे मार्केट रिसर्च बिजनेस और उसके बाद रेगुलेशन लॉजिकल, ये सारी ऑप्शन उसने यहाँ पे जो है ना हमें बिजनेस प्लान ये सारी ऑप्शन यहाँ पे निकाल के दे दी हैं। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जैसे साथ साथ ये जो है ना वो लोडिंग हो रही है और साथ साथ ये नीचे तक ड्रैग करता जा रहा है। ये देखे वहां वर्किंग ऑन इट यहाँ पे लिखा हुआ है। जिस जगह के आप स्टॉप करना चाहते हैं यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग की ऑप्शन मिली हुई, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी जो है ना नेट के स्पीड पे डिपेंडेड करता है कि आपकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी ये उतनी ये जल्दी जो है ना आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो देखें यहाँ पे नीचे जो है ना इसने मुकम्मल ऑप्शन हमें यहाँ पे जनरेट करके जो है ना दे दिया। अभी भी कुछ ऑप्शन यहाँ इसके अंदर जो है ना वो जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर पार्ट्स जो है ना उसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दिए हैं, जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं यहाँ देखें जी सारी जो है ना उसने हमें यहाँ पे जनरेट करके दे दिया। और उसने यहाँ पे लिख दिया कि आई एम स्टार्टिंग अ को पायलट, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे कीप इट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आप मसलन अगर इसको दोबारा रिफ्रेश करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे डिलीट की ऑप्शन दी हुई, अगर आपने कोई फॉर्म टाइप की आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। अगर आप कुछ और फॉर्म यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो कीप इट करेंगे, कीप इट करने के बाद जो है ना वो यहाँ पे जो ऊपर हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बता देगा।
तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले आपने ऊपर जो है ना हाइडिंग देखनी है, ठीक है। हाइडिंग के ऊपर आज मुकम्मल तरीकाकार उसने बताया। अच्छा, ऊपर जो है ना वो मैं क्लिक करती हूँ और एंटर कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करती हूँ, तो ये ऊपर की तरफ हमें एक ब्लैंक पेज ऐड करके देगा और उसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जितने टॉपिक हैं वो मैंने ऊपर फाइंड करने हैं। तो वो मैं यहाँ पे रेफरल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आऊंगी और यहाँ पे टेबल कंटेंट के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें टेबल ऑफ कंटेंट है, उसने मुझे यहाँ पे ऐड कर इंट्रोडक्शन है, मार्केट रिसर्च एंड एनालाइज है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लोकल रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस प्लान एंड ब्रिगेड्स, और उसके बाद ये सारी ऑप्शन मुझे यहाँ पे उसने ऊपर ऐड करके दे दी हैं, ठीक है। रेफरेंस के अंदर के इस टॉपिक के अंदर उसने क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, तो इस तरीके से जो है ना हम यहाँ पे इसका रेफरेंस वगैरह निकाल सकते हैं, समरी निकाल सकते हैं, मुकम्मल सारा तरीकाकार हम जो है ना इसके अंदर निकाल के देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसने जो है ना हमें रिक्वायर्ड की हुई हैं और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो है ना उसने हमें ऐड करके दी हुई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन इसकी प्रमोशंस की ऑप्शन दी गई है और उसके बाद नीचे उसके मतलब जो है ना एक तो पैराग्राफ में बताया गया और दूसरा नीचे उसने प्वाइंट दिए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्वाइंट भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुकम्मल प्वाइंट का भी उसने जो है ना हमें तरीकाकार बताया। अच्छा, आगे हम पावर प्वाइंट की बात करें, अभी तो मैंने वर्ड का बताया, ये पावर प्वाइंट है, ठीक है। पावर प्वाइंट के अंदर को पायलट की ऑप्शन आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं को पायलट। तो जैसे स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आपको यहाँ पे जो है ना राइट साइड पे नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अंदर फ्रॉम टाइप करेंगे कि आप इससे किस किस्म की जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो इसके अंदर जो है ना इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो कौन से आप फ्रॉम जब टाइप करेंगे तो तभी ये आपको यहाँ पे जो है ना इसके मतलब जो है ना वो यहाँ पे ऐड करके दे देगा पिक्चर भी और कंटेंट भी, ठीक है। तो इससे आपकी मुकम्मल प्रेजेंटेशन जो है ना वो बन जाएगी यहाँ पे। तो फ्रॉम टाइप करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे नीचे आस्क जो है ना एनालाइट्स की ऑप्शन यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रही है और उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं आई एम ए पावर बीआई, ठीक है, ट्रेनर एंड आई वेंट टू क्रिएट जो है ना प्रेजेंटेशन ऑन पावर बीआई बीच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग, ये मैंने इसके अंदर कमांड सेट कर दी है, ठीक है। हाँ, मुझे जो है ना इसके मतलब यहाँ पे प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्या मैं किसी ऑफिस में काम करते मुझे इस हवाले से प्रेजेंटेशन मिली हुई है तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये फॉर्म टाइप कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन बना के ये दे देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ब्लैंक है। जैसे मैंने इस ये जो आपको रेड कलर का बटन मिला मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे लुकिंग थिंग्स ओवर की ऑप्शन आपको नजर आ रही है कि यहाँ पे और आपको एक यहाँ पे लाइनें चलती हुई नजर आ रही हैं, तो ये हमें यहाँ पे जो है ना एक प्रेजेंटेशन रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने दे दिया पावर बी आई, ठीक है, और उसके बाद ये सारा उसने साथ साथ डाटा दिया और साथ साथ पिक भी दी हुई है व्हाट इज ए पावर बी आई, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी पिक्चर भी है और यहाँ पे साथ साथ कंटेंट भी लिख के दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी जो है ना वो यहाँ पे आके इसमें ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। ये देखें हाउ टू लर्न पावर और उसके बाद इसकी जो है ना सारी यहाँ पे नीचे तक एलिगेशन वगैरह सारी आप यहाँ पे इसके अंदर जो है ना मुकम्मल तरीके से ऐड कर दी गई है और उसके बाद ये ना नीचे की तरफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ना पिक्चर वगैरह की ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड की गई है और साथ में आप साइड पे देखेंगे तो साइड पे भी आपको ऑप्शन देगी। उसके बाद हम किसी टेबल के अगर वो बात कर लेना एक्सेल की, तो एक्सेल के अंदर हमें एक टेबल दिया गया, उस टेबल के मतलब जो है ना वो हम यहाँ पे इसकी फॉर्म्स टाइप करेंगे। फॉर्म्स टाइप करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर हमें कौन सी चीज जो है ना इसके अंदर फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड पे आप राइट साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ऑप्शन, ठीक है। एड फार्मूला कॉलम्स, अगर आप फार्मूला टाइप करना चाहते हैं, एडिट हाईलाइट करना चाहते हैं, एडिट शॉर्ट एंड फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शन को पायलट के अंदर दी गई हैं। तो आप इजीली नीचे जो है ना जो भी आप यहाँ पे इस टेबल के हवाले से जो है ना वो जानना चाहते हैं या फिर इसमें अंदर कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें ये सारी चीजें जो है ना वो ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई कैन एनालाइज डाटा एंड शो हाइलाइट्स चार्ट्स एंड पिवोट टेबल्स, और उसके बाद सेलेक्ट सजेस्टिंग प्रमोट अवर डिस्क्राइब्स व्हाट यू लाइक टू नाउ। ठीक है जी, मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, एक फॉर्म टाइप कर दिया है। उसके बाद स्टूडेंट हाँ हम क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, नीचे की ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे एक तो हमने ऊपर जो है ना टाइप कर दिया, एक हम ऑप्शन नीचे भी टाइप कर देंगे। एक इसके अंदर और भी ऑप्शन है स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश नहीं टाइप करनी आती आप बोल को भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर ये देखिए सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, शो द टोटल, ठीक है, प्रोफाइल्स बाय, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे आपने टाइप करनी है। बस आपको टाइप करने का तरीकाकार पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम जो है ना कौन सी चीज इसके अंदर जाना चाहते हैं, कौन सी चीज हम ऐड करवाना चाहते हैं। तो आपने फॉर्म इसके अंदर ऐड करनी है, और उसके बाद जो है ना वो फिर कोपायलट का काम है कि आपको जो मुकम्मल डाटा यहाँ पे ऐड करके वो दे देगा। तो स्टूडेंट अगर आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना पिवोट टेबल की ऑप्शन भी नजर आ रही है, ये भी कोपायलट के अंदर ही ओपन हुई है। ठीक है, इस हिसाब से आप जिस डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं उसको आप इजीली एनालाइज जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना कोपायलट के अंदर मुकम्मल तरीकाकार था। इसमें जो है ना हर चीज को ऐड कर, जो भी आप फॉर्म यहाँ पे टाइप करेंगे स्टूडेंट उसी के हवाले से आपको जो है ना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शन आपको इस तरीके से जो है ना आप सॉल्व कर सकते हैं। कोपायलट के थ्रू घंटों का काम आप मिनटों में कर सकते हैं। तो ये मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको सिखाया कि कैसे आप कोपायलट का यूज कर सकते हैं। आगे जो है ना मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि कुछ स्टूडेंट को नहीं पता था कि हम कोपायलट को एक्सेल और वर्ड में कैसे ऐड करें, वो भी तरीका कार जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगी। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।